ऑपरेटर्स हैं, ये बात उन तक पहुंचती है और पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। उत्तर प्रदेश सरकार से आपकी क्या क्या मांगे हैं? उत्तर प्रदेश सरकार से हमारी मांग ये है, पहली बात तो ये है कि जमीनी स्तर पर जिस तरह से नेपाल टूरिज्म, जो एक छोटा सा हमारा दोस्त है और पारिवारिक रिलेशन जैसा देश है, वो अगर कर सकता है जमीनी स्तर पर, तो हम अपने पर्यटन मंत्री, मुख्यमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री और अपने परिवहन मंत्री से ये मांग करते हैं कि सलाहकार समिति सदस्य, हमें सलाहकार समिति सदस्यता दी जाए। पहले तो सलाहकार समिति सदस्य की गठन की जाए, चाहे परिवहन विभाग हो और चाहे पर्यटन विभाग हो, उसके अंदर सलाहकार समिति का गठन करके उसके अंदर हमारे 2 से 3 मेंबरों का जगह दिया जाए और कोई भी काम करने से पहले हमारा सुझाव जरूर लिया जाए। उसको मानना नहीं मानना सरकार के ऊपर, एक कॉन्स्टिट्यूशन के तहत काम करेगी, लेकिन उसको जरूर से जरूर हमारे 2-3 मेंबरों को उसके अंदर मेंबरशिप दी जाए। जैसे कि हमारे आईटा के चेयरमैन साहब हैं, इनको मोटर व्हीकल अधिनियम 2017 जो भारत सरकार लागू करने जा रही है, उसमें आप मेंबर हैं, आपसे बिना पूछे, आपके बिना सिग्नेचर के कोई काम भारत सरकार नहीं कर सकती। उसी तरीके से हम चाहते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर पर्यटन विभाग और आपका जो परिवहन विभाग है, इसमें हमारे सुझाव जरूर लिए जाए। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आपको क्या लगता है कि रोड पर या टूरिस्ट को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किस सेक्टर में? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से मांग करूंगा, सुनौली बॉर्डर पे जो हमारे टूरिस्ट हैं, वो कम बचत के चक्कर में बोलते हैं कि गाड़ी वहां तक पहुंचा दीजिए, हम वहां से अपने से चले जाएंगे, लेकिन वहां आप समझ लीजिए एक ढंग का होटल ना ही नेपाल टूरिज्म का तरफ से है और ना ही इंडियन गवर्नमेंट से या उत्तर प्रदेश सरकार से। तो मैं सुनौली बॉर्डर पे जो बुरी व्यवस्था है, न शौचालय है, मतलब